हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मम्मी अभी यहाँ पे अर्घ देने वाली है, एंड इस फेस्टिवल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग छठ करते हैं उनको पता होगा। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है ना कि बस सैटरडे को लोग फास्ट करते हैं, बट मम्मी दोनों दिन करती है, सैटरडे और संडे दोनों दिन। सैटरडे को खरना होता है और संडे के दिन मम्मी अर्घ दी थी सुबह सुबह। सो यहाँ पर मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, वीकनेस थोड़ी ज़्यादा थी, एंड खांसी तो ठीक थी, खांसी ही सर्दी था मम्मी को, बट खांसी तो नॉर्मल हो गया था, बट वीकनेस मम्मी को थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और फास्टिंग के कारण वीकनेस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मम्मी हो गई थी, बट फेस्टिवल था तो करना तो था ही। तो मम्मी किसी तरह से मेडिसिन वगैरह ले रही थी, और मम्मी ने फास्टिंग भी किया और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहे थे 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग नहा लिए थे, एंड उसके बाद फिर मम्मी छत पे आई थी अर्घ देने के लिए। मैं, मौसी, मम्मी आए थे, और मौसी ने फास्ट किया था, बट अर्घ मम्मी ने ही दिया था, मौसी का भी। तो यहाँ पे मम्मी ने अर्घ दे दिया था और सब लोग नीचे आ गए थे, और इसके बाद मम्मी थोड़ा पूजा करेंगी नीचे, फिर सबको प्रसाद देंगी। एंड गाइस, आज सब लोग बहुत जल्दी उठ गए थे घर में, सब लोग, डैडी, मैं, सनी। मम्मी तो सुबह उठती ही हैं, मैं और सनी बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हम लोग उठते हैं मतलब 6:30-7 तक ऐसे उठते हैं, बट आज फेस्टिवल था तो सब लोग जल्दी उठ गए थे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये दोपहर की है, सब कुछ हो गया था, फिर दोपहर को मैं अपने थोड़ा सोची कि अपना ड्रेसिंग टेबल थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लो, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं ड्रेसिंग टेबल अपना ठीक नहीं की थी, बहुत कुछ कचरा पड़ा हुआ था। लाइक ऊपर वाले सेक्शन में तो सब कुछ अच्छा, जो भी मेरा सामान है वो था, बट जो कबर्ड नीचे वाला है ना, उसमें मतलब कुछ भी कार्ड्स वगैरह शादी के रखे थे, पेपर्स वगैरह, एंड कुछ भी जितने फ्लिपकार्ट के डब्बे आते हैं, जो भी मतलब पार्सल आते हैं ना, उन सब के डब्बे मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हॉल वीडियो बनाना होता है ना उन सब का, तो मैं उसके डब्बे भी जमा करती हूँ। यहाँ तक कि मम्मी मुझे चिढ़ाती भी रहती है, हमेशा बोलती है कि सपना किसी चीज़ का डब्बा फेंकती ही नहीं है, कोई भी सामान का डब्बा हो और जमा करके रखती है। फिर एक दिन जब सफाई होती है ना, तो बहुत सारे डब्बे घर से निकलते हैं, वो सब मेरा जमा किया हुआ डब्बा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी के शादी का कार्ड था, और ये बहुत पहले की शादी का कार्ड था, जब भोज वोज सब डैडी लोग खावा के आ गए थे, बट कार्ड अभी तक पड़ा हुआ था घर में, तो वही सब मैं ठीक कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए, वो मैं फोल्ड करने जा रही थी, बट सनी ने फिर मुझे कुछ बोल दिया कि ये चीज़ कहाँ है,
और अभी पूछ रहा था, शायद मुझे अभी हंसी आ रही है यहाँ पे, और जिसने भी रिकॉर्ड किया है ना उसका शायद हैंड फिंगर यहाँ पे हल्का सा कैमरा के पास आ गया है, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे अभी कुछ कुछ कर ही रही थी, तनी ने पूछा क्या कर रही हूँ, चाय बना दो, मैं बोली बस ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा रूम वगैरह ठीक कर लेती हूँ फिर चाय बना दूँगी। शाम का टाइम हो गया था और उसका दिन भर ऑफिस रहता है तो उसको 3-4 बार चाय तो चाहिए ही होता है दिन भर में। यहाँ तक कि मेरे घर में डैडी को और सन्नी को, दोनों आदमी को चाय बहुत पसंद है, मम्मी उतना चाय नहीं पीती हैं, बट सब बनता है तो सबके लिए थोड़ा बहुत एक बार एक दो बार मम्मी पी ही लेती है, बट मम्मी को उतना चाय पसंद नहीं है। सो गाइज ये स्ट्रॉ, और ये स्ट्रॉ मैं क्यों लेके जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट अभी जस्ट ना कटा है और ये आगे आगे चल दिए हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं नारियल पानी पीने और डैडी यहाँ पे नारियल काट रहे हैं। काट गए डैडी यहाँ पे नारियल, और तुम चाकू, अच्छा पाइप है तो चाकू लेके खड़ी। चलो यहाँ पे नारियल कट गया है, पानी है और यहाँ पे बोला गया है कि पानी है। नारियल पानी कम तारी ज्यादा लगा हमको दे रहा था लेना जल्दी तो फोड़िए तो ये ठीक है पीते हैं हरल इस चो अच्छा देख पाइप सब पी ले एक आराम से कहां खत्म किया है तू भी पानी पीने लायक नहीं है आई पी हूं ना देले ढाब लगा के पानी पिया जा रहा है, नया स्टाइल। और ये देखो सपना क्या करा रही है, सपना नाक उसको पता है गच्चा मैक्स चबा जाएगा उसको। नो नो ब्रो नो, ये वो पीना होता है, इसको काट के देगा, खाएगा ये ना, ये कटा हुआ नारियल नहीं खाएगा ये। मैक्स मैं खाऊं ए मां मारी क्यों काट लगा ये मैक्स काट ले नहीं काटेगा हमको मैक्स काट लो डरता है वो अभी देखना मैक्स आंख में क्या लगा लिया है, सो के उठा है मैक्स हैंड दो गुड। बाप रे मैक्स छोड़ दो दे 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 दे